हे बच्चों, आज की डिजिटल कक्षा में आपको मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद के बारे में जानेंगे। शब्द भेद को अंग्रेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के शब्द भेद हैं। हिंदी में कितने प्रकार के शब्द भेद हैं? हिंदी में 8 प्रकार के शब्द भेद हैं। वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयक बोधक। विशेषण के परिभाषा जानने से पहले हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। यह है नीचे के कुछ वाक्यों को ध्यान से देखिए। दिल्ली में मौसम अच्छा है। दिल्ली में मौसम कैसा है? दिल्ली में मौसम अच्छा है। दूसरा, कुतुब मीनार पुरानी इमारत है। कुतुब मीनार पुरानी इमारत है। तीसरा, लाल किला लाल पत्थर का बना हुआ है। लाल किला किस पत्थर का बना हुआ है? लाल किला लाल पत्थर का बना हुआ है। यह एक मजबूत और सुंदर किला है। यहाँ पर देखिए, अच्छा, पुरानी, लाल, एक मजबूत और सुंदर, ये सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। देखिए बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। वे हैं, पहला गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है। चौथा सर्वनामिक विशेषण है। चौथा कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण है। पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। गुणवाचक विशेषण का परिभाषा जानेंगे बच्चों। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों देखिए और एक बार, गुणवाचक विशेषण का परिभाषा, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुण, अच्छा, राम अच्छा लड़का है। राम कौन सा लड़का है? कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। रंग यानी कलर, लाल, यह कलम लाल है। यम कैसा है? यह कलर या कलम लाल है। आकार यानी शेप, लंबा, राम लंबा है। राम कैसा है? राम लंबा है। दोष यानी डिफेक्ट, बुरा, राजू एक बुरा लड़का है। और स्थान यानी प्लेस, पंजाबी, राम पंजाबी है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ अच्छा, लाल, लंबा, बुरा, ये सब संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण विशेषण का परिभाषा देखेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और एक बार देखिए,
परिमाणिक विशेषण का परिभाष, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे हम, काम के साथ थोड़ा खाना खाते रहना, काम के साथ थोड़ा, थोड़ा यानी यहाँ पर, या थोड़ा यानी यहाँ परिमाण, परिमाण के बात कर रहे हैं। और एक बार देखिए, काम के साथ थोड़ा कान खाते रहना है। और दूसरा, कुंभ के मेला में बहुत लोग आते हैं, कुंभ के मेले में बहुत लोग आते हैं। और तीसरा, मुझे अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा, बहुत, ढेर सारा, यह शब्द परिमाण वाचक के संबंध में कहलाते हैं। यानी कितना कितना है, बहुत है या ज़्यादा है या कुछ है, या क्वांटिटी के बारे में कहलाए जा रहे हैं। और तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा देखे तो, और देखिए, जो विशेषण वस्तु की संख्या बताते वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और एक बार, जो विशेषण वस्तु की संख्या बताते वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। उस मैदान में कितने लड़के खेल रहे हैं? उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। और दूसरा, 10 किलो चावल ले लो। कितने किलो चावल ले लो? 10 किलो चावल ले लो। यहाँ पर संख्या के लिए कह रहे हैं। और चौथा, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा होता है, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कर देता है वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और एक बार देखिए, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कर देता है वे सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद हमारा शहर है, या मेरा कलहम है, या मेरा घर है। यानी सर्वनाम के रूप में रहकर विशेषण को बतलाने वाले शब्द को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला, सीता एक सुंदर लड़की है। सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। और दूसरा, वह बहुत लाभान्वित होता है। वह बहुत लाभान्वित होता है, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। तीसरा, एक कक्षा में 100 सदस्य होते हैं। एक कक्षा में 100 सदस्य होते हैं, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करें। चौथा, परिमाणवाचक विशेषण के लिए एक उदाहरण दें। सुनिए बच्चों, चौथा, परिमाणवाचक विशेषण के लिए एक उदाहरण दें। पांचवा, सर्वनामिक विशेषण के लिए एक उदाहरण दें। समझे बच्चों? धन्यवाद बच्चों।